नमस्कार, इंडी न्यूज़ हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो गर्मियों के दिनों में सबका फेवरेट होता है। हम बात करने वाले हैं आइसक्रीम के बारे में। आइसक्रीम सबका फेवरेट होता है गर्मियों के दिनों में। बताया जाता है कि जितनी ज़्यादा आपको गर्मी लगती है उतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाने के मन करते हैं, और आइसक्रीम में कई सारे फ़ायदे भी होते हैं गर्मियों में खाने के, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आइसक्रीम में वॉलनट्स होते हैं, दूध होता है, चॉकलेट होता है, क्रीम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, लेकिन यही टेस्ट आपके लिए ख़तरा भी लेके आता है। तो चलिए, कौन कौन से वो ख़तरे लेके आते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होता है कि वो आपकी बॉडी में जो फैट होता है उसे बढ़ा देता है। बताया जाता है कि अगर आप दिन में 3 से 4 बार आइसक्रीम खाते हैं तो 1000 कैलोरीज आपके बॉडी में डायरेक्टली ऐसा कहते हैं कि आ जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और फैट को बढ़ा देता है। जब फैट बढ़ जाता है तो बताया जाता है कि जब आप ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं तो जो फैट होता है वो बॉडी के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे स्टोर नहीं होता, वो आपकी बेली पे स्टोर होता है। तो ये भी बताया जाता है कि अगर आप आइसक्रीम का ज़्यादा सेवन करते हैं, आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, तो बेली फैट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आइसक्रीम खाने से हार्ट डिजीज़ का भी रिस्क बढ़ते जाता है, क्योंकि आइसक्रीम में सैचुरेटेड फैट होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर आप ज़्यादा आइसक्रीम का सेवन करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा हाई कर सकता है, इसलिए आइसक्रीम पे लगाम लगानी चाहिए। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि ये मस्तिष्क को भी जो होता है वो हानिकारक यानी हानि पहुँचाता है। एज अ सेम कौन सी चीज़ होती है उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट भी जो होता है वो मेंटल जो ध्वनियाँ होती हैं हमारी उस पर असर करता है, हमारे मस्तिष्क पर असर करता है। एक शोध में इस बात का पता लगाया गया था कि जो आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी को भी कुछ टाइम के लिए कमज़ोर करने में ये वो कह सकते हैं कि इफेक्टिव होता है, कि अगर आप ज़्यादा आइसक्रीम एक दिन में खाते हैं तो शुगर लेवल ऑब्वियसली बढ़ाएगा। अगर आप आइसक्रीम खाते हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं या फिर नहीं भी हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि बढ़ती उम्र में हो सकता है आगे चल के, तो ये आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर होता है इसमें, वॉलनट्स का भी शुगर होता है, इसके साथ साथ एड ऑन भी शुगर इसमें ऐड किया जाता है हर एक आइसक्रीम में इसे टेस्टी बनाने के लिए, इसलिए आइसक्रीम का सेवन कम ही करना चाहिए। इसके साथ साथ इसका सैचुरेटेड फैट, ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा फैट आपको सुस्त बनाता है, धीमे कर देता है, इसलिए आइसक्रीम जो है वो हमेशा से ही ऐसा इतना ही खाएं जितना कि आपकी बॉडी को नीड हो, जितना आपको टेस्ट रखना हो तो आप टेस्ट के लिए खा सकते हैं, उससे ज़्यादा आइसक्रीम का सेवन ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप आइसक्रीम का सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये एक छोटी सी अपडेट थी, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी के दिनों में बच्चे होते हैं या फिर बूढ़े होते हैं या फिर बहुत से लोग आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं या फिर आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, तो खाइए, लेकिन उतना भी मत खाइए जो कि आपकी बॉडी के लिए ख़राब हो जाए। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।